नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति दुबे। बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां पर नेहरू पार्क स्थित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तिरंगा निर्माण का आयोजन किया गया। डीएम पुलकित खरे ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और अन्य कई जगहों पर कैंप लगाए गए। पीलीभीत डीएम पुलकित खरे ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद को 4 लाख तिरंगों के निर्माण का लक्ष्य मिला था। कल शाम तक हम लोग 5 लाख तिरंगे निर्माण कर चुके हैं और हमारे अधिकतर झंडों का निर्माण हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा करा गया है। मेरे द्वारा इनका कार्य जाके भी देखा गया था, कितनी लगन से और किस देशभक्ति की भावना से इन लोगों ने ये तिरंगे बनाए हैं। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि जनपद में कई स्थानों पर इन महिलाओं के स्टॉल्स हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इन महिलाओं द्वारा जो हाथों से निर्मित तिरंगा है उसको आप लोग ज़रूर इनके स्टॉल से खरीदें, जिससे हम अपने अपने घरों पर शान से 11 से 15 अगस्त के बीच में अपने तिरंगे को फहरा सकें। इस तरह के झंडों के स्टॉल्स का आज शुभारंभ करा जा रहा है और शहर के प्रमुख स्थानों पर ये तिरंगे हम लोगों को उपलब्ध रहे। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्यक्रम है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो उनके पास में सबसे निकटतम कस्बा होगा वहाँ पे भी ये तिरंगे उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ हमारे सचिवों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं उनमें भी हर घर तक तिरंगा पहुँचाया। बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में कार्यरत उर्दू अध्यापक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें पीड़ित शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया है कि बच्चों का दाखिला वे नहीं होने दे रहे हैं और जो बच्चे हैं उन्हें उर्दू विषय न पढ़ने के लिए दबाव बनाते हैं। पीड़ित शिक्षक ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उर्दू विषय में किसी भी छात्र के पंजीकरण न होने के कारण मुझे सरप्लस शासन द्वारा एक निर्देश आया था कि जो सरप्लस ज्यादा शिक्षक है तो उनको हटाया जाएगा। मैंने यहाँ पर बच्चे भी थे तो प्रिंसिपल साहब घर पे जा जाके क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट उर्दू। उर्दू पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं। पिछले वर्ष 2021-22 में मैंने 83 बच्चों की लिस्ट दी थी तो उसमें केवल 11 छात्र थे उर्दू विषय के। प्रिंसिपल साहब ने द्वेष भावना के तहत उनको सबको उर्दू विषय से हटा के क्लास दे दी। ये व्यक्तिगत मुझसे द्वेष भावना रखते हैं, इसलिए मैंने प्रार्थना पत्र दी और इसकी जाँच कर ली जाए कि मैंने प्रभारी को बोर्ड परीक्षा प्रभारी को दिया था मैंने 83 छात्राओं की लिस्ट, तो उसमें देख लिया जाए कि कौन कौन उर्दू से वो छात्र था, उनको प्रिंसिपल साहब ने हटा दिया गया। मैं जब कक्षा 6 में पढ़ाने गया उर्दू तो बच्चों ने ये कहा कि कोई बच्चा उर्दू नहीं लेगा। आशीष मिश्रा जी आए थे, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने मना किया है उर्दू लेने के लिए। आशीष मिश्रा जी कौन? आशीष मिश्रा कक्षा 6 और 7 के कक्षा अध्यापक है, उन्होंने मना किया है कि प्रधानाचार्य ने कहा है कि कोई उर्दू नहीं लेगा। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं? मैंने एक वीडियो शेयर किया है तो उसमें बच्चों ने कहा है कि बहुत सारे बच्चे उर्दू लेना चाह रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल साहब द्वारा कुछ एक बच्चा मुस्तफ़ा श्री मुस्तफ़ा का लड़का था तो उसको उसके घर जाके प्रिंसिपल साहब ने भेजा 3-4 टीचरों को, उसके घर जाके दबिश दी और उससे ये कहा कि तुम उर्दू नहीं लोगे। मुस्तफ़ा का बयान ये है कि मेरे बच्चे के साथ जबरदस्ती की जा रही और उर्दू की जगह कला दी जा रही है। अच्छा, आज आप जिलाधिकारी महोदय से मिले? मैंने मिला हूँ, मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने कहा कि जांच करवाइएगा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये था कि मैं जज साहब को लिख रहा हूँ और जांच जो होगी वो बताया जाएगा आपको। विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने आज गांव बरौना का दौरा कर गंगा के कटान का जायजा लिया। गांव बरौना कटान से काफी खतरे में है, जिला प्रशासन को चाहिए कि बरौना गांव पर पत्थर की ठोकर बनाई जाए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से आग्रह किया गया है कि बरौना गांव में पत्थर की ठोकर जल्द से जल्द बनवाई जाए। इस मौके पर कई ग्रामवासी मौजूद थे। ये गाँव बहुत ज्यादा दिक्कत में है, मुश्किल में है, खतरे में है, कभी भी यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जिला प्रशासन ने
कुछ इंतजाम किए हैं। ये खंभे लगाए गए हैं सीमेंट के, ये पेड़ लगाए गए हैं और ये तार लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे कटान बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि ये इंतजाम ना काफ़ी हैं। जिस तरह का ये यहाँ पर स्पीड है पानी की, ये ज़रा स्पीड दिखाइए पानी की, इधर आके थोड़ा सा दिखा दीजिए, जिस तरह की स्पीड है और ये जो मिट्टी कट रही है बार बार, मुझे लगता है कि जो ये इंतजाम किए गए हैं, जो ये इंतज़ाम किए हैं जिला प्रशासन ने, दोबारा से मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर सीमेंट के खंभे हैं, यहाँ पर पेड़ों से इसको ढका हुआ है और यहाँ पर ये पतले पतले तार लगाए गए हैं ताकि कटान कुछ तरह कुछ रुक सके। लेकिन गाँव वासियों ने मुझे बताया कि इससे कटान बिल्कुल नहीं रुकेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जाल में पत्थर रखकर, जब तक नहीं डाले जाएंगे तब तक ये कटान नहीं रुकेगा। आइए मैं गांव वासियों से आपकी बात करा दूं। ये कटान पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, आपका गांव खतरे में है, बरोना गांव में हम खड़े हुए हैं आपके गांव में, आप क्या समझते हैं कि क्या उपाय जिला प्रशासन को करना चाहिए? सर पत्थर पड़ेगा, जाल बांधेगा तभी रुक सकता है, वैसे कोई उम्मीद नहीं है रुकने की। यानी कि यहाँ गांव वालों का कहना है कि जाल पड़ के जब तक पत्थर नहीं पड़ेंगे तब तक ये कटान नहीं रुक सकता। जो उपाय जिला प्रशासन ने थोड़े बहुत किए हैं वो नाकाफी हैं, ऐसा ग्रामवासियों का मानना है। अगस्त 2022 है और मैं गांव बरोना में खड़ा हूँ जो पटियाली तहसील में है और जिला कासगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिखाइए कि गंगा का कटान बहुत ज्यादा है, ये दिखाइए, ये पूरा का पूरा गंगा का कटान है। ये 2-3 दिन के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ गांव का कटान हो चुका है। यदि जिला प्रशासन ने जल्द ही कुछ नहीं किया, यहाँ पर पत्थर की ठोकरें बनाई जानी चाहिए, यानी कि प्लास्टिक की बोरी में रेता भरकर या मिट्टी भरकर यहाँ पर डाली जाएगी या पत्थर डाले जाएंगे, तभी ये कटान रुक सकता है, वरना पूरा का पूरा जो बरोना गांव है वो खतरे में है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह करूँगा, सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूँगा और जिला कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुरू जी से आग्रह करूँगा कि इस कटान की तरफ वो ध्यान दें, वरना ये पूरा का पूरा गांव खतरे में है, यहाँ जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है और इस गांव का नुकसान तो होगा ही, इसके बाद जितने भी आगे गांव पड़ते हैं, बरी बगवास है, खड़ुइया है और बहुत सारे गांव हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। गंगा बहुत तेज़ी पर है, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर दिखाएँ, आप थोड़ा सा आगे आकर दिखा दीजिए, ये कटान देखिए, दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर कटान हो रहा है। ये बहुत तेज़ी से, आप ये देखिए, ये बहुत तेज़ी से गंगा और यहाँ पर कटान होता जा रहा है। मैं यहाँ पर देखिए ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं दोबारा से यहाँ जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस गांव में जल्द से जल्द जो है वो एक ठोकर बनाई जाए, यहाँ पर पत्थर डाले जाएँ और जो प्लास्टिक की बोरी होती है उसमें मिट्टी भर के डाली जाए ताकि इस कटान का रुकाव हो सके। बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां के पवासा खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के परिसर में स्थित जूनियर हाई स्कूल में विद्यालय पहुंचे छात्राओं से विद्यालय के प्रधानाध्यापक सरकारी हैंडपंप से पानी मंगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि कुछ छात्र इधर उधर घूम रहे थे, जिन्हें पढ़ाने को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को कोई चिंता नहीं है, जबकि शासन परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। कहाँ ले जा रहे हो पानी? मैम को? कौन सी मैम को? बड़ी वाली मैम को? अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हैं? कक्षा 6 में? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। चलिए, बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां खलारी कोयलांचल क्षेत्र के बमने पंचायत अंतर्गत डुंडू में शहीद निर्मल महतो का 35वां शहादत दिवस अर्जुन महतो द्वारा समारोह आयोजित कर मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी नागेश्वर महतो ने किया। इस शहादत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि बूढ़मू जिला परिषद सदस्य रामजीत गुंजू द्वारा शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। शहीद निर्मल महतो चौक में आज हम लोग निर्मल दा का शहादत दिवस मना रहे हैं और इनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी और इन लोग इनके प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेंगे और आने वाले समय में ये चौक जो है और ये मूर्ति जो है, ये स्मारक स्थल यहाँ के लोगों के लिए एक आने वाले भविष्य के लिए स्रोता का श्रेय रहेगा और इनके नीति और सिद्धांतों को सीखते हुए आने वाला भविष्य हमारा
इनके आदर्शों का पालन करके आगे की पीढ़ी बढ़ने के काम करेगी। उन्हीं के अस्तित्व के आज हम लोग इनका शहादत दिवस मना रहे हैं और आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं उनको इस शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पे हम पर तमाम मीडिया बंधु एवं हमारे जितने भी आसपास के ग्रामीण इस बमने चौक के प्रतिमा स्थापित पर हम लोग आज माल्यार्पण किए और आदरणीय निर्मलदा जल जंगल जमीन खान खदान यानी कि उस समय जो पूरे राज्य में जो अन्याय था उसके खिलाफ आदरणीय निर्मलदा ने गुलगुलान किया और इस लड़ाई को आगे लेकर के आया। लेकिन आज तक बड़ी तकलीफ की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने जिनके आदर्श जिनके लड़ाई के चलते जो हमारी मान सम्मान हमारे क्षेत्र के विकास हमारे गांव घर की प्रगति के लिए जिन्होंने अपना कुर्बानी दिया आज वो कुर्बानी इस राज्य में साकार नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग को तमाम को एक संकल्प एक सपना के साथ सोचना चाहिए कि आदरणीय निर्मलदा के बताए हुए रास्ते पर चले, अपना जो अधिकार है अपना जो सपना है अपना जो क्षेत्र का विकास है उस पर हम लोग इनके नेतृत्व पर चले और जो हम लोग इस राज्य में अन्याय हो रहा है उनके प्रतीक हम लोग अपना बात को उठाएं। यदि हम तमाम कोई नौजवान अपनी बातों को नहीं रखेंगे अपना बात को अपने समस्या को समाधान करने यदि आगे नहीं आते हैं तो जिस तरह से मेरा भविष्य बीत रहा है उस तरह से आने वाला भविष्य का भी हमारे बाल बच्चों का भी भविष्य को बीतेगा। इसलिए हम तमाम नौजवान साथियों से आज इस निर्मलदा कादरी शहादत दिवस पर हम लोग संकल्प लेना होगा, उनके बताए पर रास्ते पर हम लोग को चलना है और आगे चल करके हम लोग अपने क्षेत्र का विकास करें प्रगति करें। इन चंद शब्दों के साथ आज शहादत दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोग इस पर उपस्थित हुए, मैं अपने ओर से निर्मलदा के शहादत दिवस पर कोटि कोटि सभी को धन्यवाद करता हूँ, जोहार करता हूँ। जय झारखण्ड, वंदे मातरम, जय हो। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।